मुस्लिम स्टाइल मटन कोरमा के लिए ये रहा कुछ सामग्रियाँ। 500 ग्राम मटन, एक बाउल पानी, 3 स्पून घी, 3 स्पून तेल। 3 बड़े साइज प्याज को हमने फ्राई कर दिए हैं। 10 से 15 काजू, कुछ धनिया के पत्ते, 2 ग्रीन चिल्ली, स्वाद अनुसार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, जीरा पाउडर 1/2 स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 2 स्पून, हल्दी का पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला 1/2 स्पून, सौंफ 1/2 स्पून, 3 स्पून दही, 6 छोटी इलायची, 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता, केवड़ा वाटर 1 स्पून। एक प्रेशर में तेल डालेंगे, घी डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे, उसी को भूनेंगे थोड़ा। उसके बाद मटन डालेंगे, डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी का पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर मिलाएंगे। 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक दही का एक मिश्रण बनाएंगे। दही डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, उसी के अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इस मिश्रण को मटन में डालेंगे, उसी को अच्छे तरह से भुनेंगे 2 मिनट के लिए। इस कटोरी में दही का मिश्रण बनाए थे, उसी कटोरी में पानी डालकर उस मिश्रण पानी को मटन में डालेंगे, फिर मिलाएंगे। ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी आने तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। एक मिक्सर में सौंफ, जावित्री, इलायची, जायफल डालकर उसी का पाउडर बना देंगे। फिर से एक जार में दही डालेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे, काजू डालेंगे, फ्राई अनियन डालेंगे, फिर से अच्छी तरह से पीस देंगे। मिश्रण इस तरह से होना चाहिए। 4 सीटी आ गया है, अब ढक्कन का खोल कर देखेंगे मटन पका है कि नहीं। ये देखो पक गया है। एक कढ़ाई में मटन को डालेंगे, मटन जब उबल आ जाएगा इसमें 1 कप गर्म पानी डालेंगे, उसी में गरम मसाला डालेंगे, सौंफ का मसाला डालेंगे, फ्राई ऑनियन का जो पेस्ट बनाए थे वो भी डालेंगे, उसी के अच्छे तरह से मिला देंगे। उसी में धनिया के पत्ते डालेंगे, फिर केवड़ा वाटर डालेंगे। पहले हमने मटन में नमक डाले थे, फिर टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसका ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पर। ये देखो हो गया आपका मुस्लिम स्टाइल मटन कुर्मा।